हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीटीईटी, सीटेट और सुपर टेट के लिए शैशवावस्था से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी हम लोग क्या देखेंगे कि शैशवावस्था से कितने क्वेश्चन बनते हैं और या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को ही शैशवावस्था कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जन्म से लेकर 6 साल को शैशवावस्था कहते हैं, और कुछ लोगों के अनुसार शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड है वह 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, यह अवस्था कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिकरण कब शुरू होता है, तो यह शुरू होता है शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक का विचार है, थार्नडाइक के अनुसार क्या होगा कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? जो नवजात शिशु होता है उसकी ऊंचाई होती है 20 इंच। अगला, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये कहा है वेलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? सबसे तेज शारीरिक विकास जो होता है वह होता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट, विकास की प्रक्रिया होती है, तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। अगला, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका? तो वह पड़ता है सबसे ज़्यादा घर का। यानी भाषा विकास की अगर बात करेंगे तो उस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है तो उस बच्चे का घर का। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय, विद्यालय को शिशु की औपचारिक संस्था कहा गया है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तो शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है वह तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, तो व्यक्तित्व विकास की नींव जो है यह कब पड़ती है? यह बचपन में पड़ती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है, तो कब पड़ती है? यह बचपन में पड़ती रहती है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, वह 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। शैशवावस्था के 4 संवेग जो हैं वो क्या क्या हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, यह किसका विचार है? यह थार्नडाइक का विचार है। नेक्स्ट पॉइंट, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा था? यह कहा था एडलर ने। एडलर ने क्या कहा था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम ही निश्चित कर लिया जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सिंगमंड फ्रायड का। इन्हीं को केवल फ्रायड के नाम से भी जाना जाता है। शैशवावस्था में बालक कहा जाता है क्या होता हुआ? निर्माण काल कहा जाता है। दूध के दांत होते हैं कितने? दूध के दांत होते हैं 20, है ना। देखिए इसका फार्मूला होता है 21-20/21-20, ठीक है। और अगर एडल्ट का पूछे तो ये होता है 21-23/21-23, ठीक है। ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो बच्चे होते हैं उनमें मोलर जो होता है न तो ऊपर होता है न नीचे होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है लगभग 270। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र किस में होती है? वह होती है शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उनमें कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है, यह होती है कितनी? तो यह होती है 51 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो किलोग्राम में ये 3 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? यानी 1 वर्ष में सारे के सारे दांत निकल आते हैं। और दूध के दांत होते कितने हैं? टोटल 20। फिर देखिए, स्वप्रेम
की भावना, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। कब? शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित, उसके शिशु का कोई पैटर्न नहीं होता है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। नेक्स्ट पॉइंट, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का, यानी बच्चा की उम्र जब होती है 3 वर्ष, तब वह करने लगता है कैसे, सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। वह जो सेंटेंस बनाता है उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के समय बालक बालिका में लगभग 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर लड़का है तो वह जो होगा वह लड़की से लगभग लगभग 0.5 सेंटीमीटर लंबा होगा। नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। किस अवस्था में दांत बनने शुरू हो जाते हैं? तो जो दांत बनने शुरू हो जाते हैं वह जन्म से पूर्व। हम लोग के जो दिखते हैं वो बाहर के दांत दिखते हैं। शैशवकाल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है शैशवावस्था होती है। स्वकेंद्रित मतलब वो अपने आप पे ही केंद्रित करता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया? किंडरगार्टन। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं कितने? 280 दिन। वर्तमान में निशुल्क बच्चों के शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं आधे पिता पक्ष की तरफ से और आधे माता पक्ष की तरफ से। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? वह है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। फिर देखेंगे हम लोग कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया था? जो कैलिकाक परिवार है इसका अध्ययन किया था गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? वह शैशवावस्था है। सामाजिकरण जब शुरू होता है वह कौन सा टाइम पीरियड होता है? वह शैशवावस्था होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो भेजना चाहिए 5 वर्ष में। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है? तो वह 9 से 15 महीने के बीच में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग लगभग 0.5 किलोग्राम यानी 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजना पूर्ण। तो इस तरह से हम अवस्था की आयु जो होती है वह क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज अगर पूछे आपसे तो 6 वर्ष। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था। और गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था को 3 नामों से जानते हैं, समूह की आयु, चुस्ती की आयु और गंदी आयु, ठीक है। अगला पॉइंट, 10 से 12 वर्ष की जो आयु होती है इसको क्या कहा जाता है? परिपाक काल या संचय काल। 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है इसको पूर्व बाल्यकाल कहते हैं और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है, किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। और बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है, यह किसके ने कहा है? तो यह कहा है कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है यह बाह्य केंद्रित होता है, ठीक। इसके पहले हम लोगों ने किशोरावस्था देख लिया है, उन सबों में भी ये सभी पॉइंट्स आएंगे। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है यह बाल्यावस्था का मुख्य गुण है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होती है? तो प्राथमिक विद्यालय में अगर आपको प्रवेश लेना है बच्चे का तो उसको बाल्यावस्था के समय लेना चाहिए, यानी 6 से 12 साल के बीच में। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है, इसको कौन सी शिक्षा विधि जो क्रिया और खेल पर आधारित है? तो यह है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि क्या है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है डाल्टन शिक्षण विधि है, ठीक। अगला पॉइंट, बेसिक शिक्षण विधि क्या है? तो बेसिक शिक्षण विधि जो है किंडरगार्टन है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, यानी बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनको
किस तरह का खेल खेलना चाहिए, तो उनको खेलना चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को क्या कहेंगे? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। बाल्यावस्था में बालक संपर्क करता है, किससे संपर्क करता है? समवयस्क समलिंगियों से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो यह होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास तेज होता है, और किशोरावस्था में जो होता है वह शारीरिक विकास, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह बात किसने कहा? यह कहा है फ्रायड ने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, क्या माना है? वह विषयी माना है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह सामूहिकता की भावना, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो यह होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो जो बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वह सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट, बाल्यावस्था की प्रमुख पिशोरा विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वह है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया और यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, ठीक है। उसके बाद हड्डियों का विकास कब होता है? तो हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष की आयु तक। अवस्था हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी हम लोग किशोरावस्था देखेंगे, जो कि सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु क्या होती है? तो 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है इसी को किशोरावस्था कहते हैं। या कभी कभी पूछा जाता है किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? तो 12 से 18 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, यह किसने कहा था? यह कहा था स्टैनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में जो विकास होता है वह काफ़ी तेज होता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं अधिक उग्र। फिर चेकिए, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वह जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह किसने कहा था? तो यह बात कही है क्रो एंड क्रो ने। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है ई ए किर्क पैट्रिक ने। फिर देखते हैं हम लोग, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो यह होता है किशोरावस्था। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो तीव्र परिवर्तन की बात जब भी करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में। फिर देखिए, किशोरावस्था को एक चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में समायोजन में असमर्थता होती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण और कामुकता होती है, निषेधात्मक व्यवहार होता है, अध्ययन में अरुचि होती है, बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है, मूल्यों एवं आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, उदासीनता होती है, दिवा स्वप्न होते हैं और स्वच्छंदता या अनुशासन से मुक्ति होती है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? तो वह एक शब्द क्या होगा? परिवर्तन। किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच कैसी अवस्था है? तो यह जो अवस्था है यह अवस्था है अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है?
तो यह है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समावेशन समायोजन का अभाव। एडोलसेंस किसकी रचना है? तो एडोलसेंस जो है यह जीएस हाल की रचना है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, यह किसने कहा? तो ये कहा है जीएस हाल ने। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कब? किशोरावस्था में। स्टेनले हाल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के। स्टेनले हाल ने किशोरावस्था को चार शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वो चारों शब्द क्या हैं? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो संचय की जो प्रवृत्ति है यह इसकी व्यवस्था नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। फिर देखेंगे हम लोग कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषमलिंगी में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है, कब? किशोरावस्था के बाद। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में बुद्धि का होना क्या है? यह वृद्धि होना, यह क्या है? मानसिक विकास। अगर शक्तियों में, संवेदनशीलता में, अवलोकन में, प्रत्ययीकरण में, स्मृति में, ध्यान में, कल्पना में, चिंतन में, वृद्धि में, तर्क में, इन सभी चीज़ों में अगर ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तभी हम कहते हैं कि उसका मानसिक विकास हो रहा है। पाठ्यक्रम का अर्थ है, तो पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिसे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा, कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा है कर्निंगम महोदय ने। किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो यह है अस्थिरता की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था का समय अगर पूछा जाए तो 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है, यह किसने कहा? स्टेनले हाल ने कहा। किशोरावस्था की विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। स्टेनले हॉक के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा? किशोरावस्था को। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोरावस्था में। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है शिक्षक एवं बालक दोनों पे। अगर बालक का सर्वांगीण विकास चाहिए तो शिक्षक और बालक दोनों का सहयोग होना चाहिए। अंधे बालक होते हैं जिसकी दृष्टि एक्विटी कितनी होनी चाहिए? दृष्टि एक्विटी अगर 20/200 होती है तो उनको अंधा बालक कहते हैं। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है संतुलित। तो इस तरह से हम लोगों ने किशोरावस्था भी खत्म किया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।